बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइज़? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइज, आज की वीडियो है मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई चैनल से और वीडियो का नाम है हक ए मेहर क्या है, कितना होना चाहिए। तो बाय रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई। तो गाइज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हक के महर का तायुन ये वाजिब है और औरत का हक है। शोहर की हैसियत के मुताबिक हक के महर मुतायन हो। ज़माना नबवी में कुछ लोगों ने हक के महर में खजूरों का पूरा बाग भी रखा है और कुछ लोगों ने बहुत कम हक के महर भी रखा है। ये शौहर की हैसियत के मुताबिक होगा। लोग इसमें भी अफरात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग नुमाइश के लिए ज़्यादा हक महर रख देते हैं जिसको बाद में अदा नहीं कर पाते, और कुछ लोग ये नीयत रखते हैं कि वो जब हमारी बीवी बन जाएगी तो फिर हम दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फरमाया गया कि जो हक के महर के तायुन के वक्त ये नीयत करता है कि मैं हक के महर अदा नहीं करूँगा वो बदकार है। तो हक के महर हक के बुदा है, ये औरत का हक है और इसको अदा करना ही होता है। ये शोहर के ज़ुम्मे कर्ज़ है, अगर वो नकद अदा नहीं कर पाया तो फिर उसके ज़ुम्मे उधार है। जब औरत चाहे मुतालबा करके उससे वो हक वसूल कर सकती है और इस पर उससे नाराज़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ना तो हक के महर इतना रखना चाहिए कि जिसको अदा ना किया जा सके। दूसरा इसका रुख ये है कि कम से कम हक के महर रखा जाता है। आजकल वो कहते लिखो जी शरी लिख लो। शरी कितना होता है? किसी ज़माने में 3210 आने कहते थे और आज कहते हैं 5000 रुपये लिख लें जी। अच्छा, बेटी वाला बेचारा बोलता नहीं, वो मसला शरी जानता भी हो तो फिर भी नहीं बोलता, वो डरता है कि ये मेरी बेटी के सामने ना आए। तो ये ज्यादती नहीं है? आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता हो तो 5000 रुपये तो उसको आप दें, तो वो एक महीने का खर्चा 5000 रुपये नहीं लेता। और ये औरत अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर रही है और ये इसका हक के बुदा है, इसने खुद मुतायन नहीं किया, ये हक इसको इसके रब ने दिया है और तुम 5000 रुपया देते हो। और हैसियत तुम्हारी देखो, तुम्हारे अंदाज देखो। एक दोस्त बता रहा था कि एक आदमी ने जो है वो कार्ड छपवाए हैं तो वो 9000 रुपये का एक कार्ड है, 9000 रुपये का। तो जो दोस्तों को बांटे उसका कुल खर्चा 45 लाख रुपये आया। तो हक के महर बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। तुमने उस खातून को इतना बेतौकीर कर दिया है, पहले दिन ही तुमने उसकी कदर व कीमत का लिहाज नहीं किया, उसकी इज्जत अफजाई नहीं की। ये उसके लिए सादा लफ्जों में सलामी थी जो उसको आपने निकाह के साथ पेश करनी थी। तो ये बात ज़हन में रखिए कि जो हक़ महर है ये हक़ बुदा है, ये औरत का हक है और ये मेरे रब ने मुकर्रर किया है और ये वाजिब है। जो अदा करना हो वो रखना चाहिए, नमाइश के लिए नहीं कि बाद में वो हमारी बीवी होगी हम दें ना दें, नहीं ऐसा नहीं है। हो सके तो नकद दें लेकिन उधार भी किया जा सकता है। औरत चाहे तो माफ़ भी कर सकती है लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन शौहर की हैसियत के मुताबिक हक़ महर अदा किया जाए, रखा जाए, ना ज़्यादा कि निकाह मुश्किल हो जाए और ना थोड़ा कि औरत बेतौकीर हो। तो मुनासिब हक के महर रखा जाए। हक के हाँ जी, हक ए महर क्या कॉन्सेप्ट है मुझे ये जब शादी होती है ना तब एक तरह से जो लड़के वाले होते हैं या जो लड़का होता है वो जो फीमेल होती है उनको पैसा देता है। अच्छा हाँ, तो उनको देना होता है हक के महर, उनका हक होता है लेडीज़ का उनसे पैसा लेना, तो उनको पैसा देना होता है। तो अपनी हैसियत के हिसाब से कह रहे हैं कि देना चाहिए। जो इन्होंने
मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई ने बताया कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 9,000 रुपये का एक कार्ड छपवाते हैं और कार्ड बांटने बांटने में 45 लाख रुपये का खर्च कर लेते हैं, और हक्का महर में इन जैसे लोग 5,000 रुपये ही रखते हैं। अच्छा, मतलब कि वो हालांकि दूसरा था, एक हक्के महर था, एक और था, एक और था जो इन्होंने बताया कि वो शायद इसलिए होगा, पता नहीं, मेरे को वो समझ नहीं आया अच्छे से। हक के मेहर तो समझ आ गया कि जब शादी होती है तो पूछा जाता है कि कितने कितने का कैसे हो रहा है, तो वो फिर अमाउंट देनी पड़ती है आपको। अगर मेल बोल रहा है कि इतने पैसे है, तो वो अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। इसके बारे में मेरे ख्याल कुरान में भी काफी कुछ लिखा हुआ, बिल्कुल है ना, कि हक के मेहर पे क्या चीजें हराम है, क्या चीजें हलाल है, उस चीज़ से रिलेटेड। दुनिया इतना खर्चा कर लेती है अपनी शादी पर ही, इतना इतना खर्चा कर लेती है, तो यहाँ देने में क्या क्या हर्ज क्या है। शादी पे ही देखो आप, तो यहाँ तो लाखों लाखों रुपए ऐसे उड़ते हैं, पता नहीं लगता उड़ा देते हैं लाखों, तो शादी पे छोड़ो शादी वाले दिन लाखों रुपए उड़ा देते हैं, वो 100-100 की गड्डी, 500-500 की गड्डी उड़ लेते हैं और उड़ा देते हैं वो लाखों रुपए, कितने लोग उड़ा देते हैं सोचो शादी पे कितना ही पैसा, करोड़ों रुपए लगते होंगे शादी पे। बिल्कुल, वही हक्के मेहर की बात करो तो उसके अकॉर्डिंग वो काम, मतलब शादी पे इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया और हक्के मेहर कुछ नहीं उसके मुकाबले। गलत है ये, गलत है, वाकई में गलत है। अगर आपकी हैसियत है, अपना हैसियत के हिसाब से बंदा करता है, अगर कम थोड़ा पैसे वाला है तो कम रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ज़्यादा पैसे वाला है और इतना 9-10 हज़ार रुपये का कार्ड छपवा रहा है, एक का सिंगल कार्ड, एक कार्ड जितने में 45 लाख में उन्होंने कार्ड छपने छपने में किया, 45 लाख में तो किसी बंदे की अच्छी खासी शादी होके उसका हनीमून भी हो जाएगा उतने में, सही एक या दो तीन हनीमून हो जाएंगे उतने में वाकई में ही। मतलब इतना तो कार्ड में भी लगा और फिर सिर्फ कार्ड में इतना लगा, सोचो सिर्फ कार्ड में 45 लाख लगा, उसके बाद हजारों लाखों होती है भाई शादी पर, तो कपड़ों पर कितना लगाया होगा, मिठाइयों पे, गिफ्ट में, और उसके अलावा पता नहीं क्या ही दावत, और डेली जो पार्टी आजकल, तो ये पार्टी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये पार्टी वो पार्टी, शादी से पहले पार्टी, मेहंदी की रसम, मेहंदी में भी पार्टी, मेहंदी में भी आपको खाना खिलाना है या कुछ और होगा तो उसमें भी खाना खिलाना होता है, तो कितने लोगों का खाना, ये वो ताम झाम, बहुत ही ज्यादा लगता है। तो इसके मुकाबले तो हक के मेहर फिर करोड़ों में होना चाहिए। मेन चीज तो हक के मेहर ही होती है ना शादी से रिलेटेड, इतना तो वो उस चीज पर भी नहीं होता कि आपने कितना खर्चा किया शादी पर या कुछ, वो उनका हक हो गया कि वो उनको मिलना ही मिलना है, वो इतनी अमाउंट उनको मिलेगी मिलेगी, ये चीज हो गया। ओके, बाकी इतना डिटेल्ड में हमें नहीं पता, अगर आपको ये वीडियो अगर रिकमेंड करेंगे तो बताना थोड़ा डिटेल में, अगर इसमें और भी ज्यादा बताया जाए क्यों होता है, क्या होता है, और पूरा एक चीज डिटेल में पता लग जाए तो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, है ना, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इस चीज को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं फिर। मोहम्मद रजा साकी मुस्तफाई चैनल से थी ये वीडियो, हम इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।